नमस्कार आदाब। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की गरिमा और गौरव स्वरूप अशोक स्तंभ का अनावरण आज एबेन में भारतीय उच्चायोग के प्रांगण में किया जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ उपस्थित हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है वो इसी स्तंभ के ऊपर खड़ा है। सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सत्य, अहिंसा, सम्मान और सहनशीलता का जो संदेश दिया है वो इसी अशोक स्तंभ पर लिखे गए हैं। आज ये अशोक स्तंभ भारत का और भारतीय सभ्यता का प्रतीक बन गया है। भारत के वीर पुत्रों के बलिदान से स्वतंत्र हुआ है भारत, गर्व से लहरा रहा है आज तिरंगा आसमान में। जी हां, भारत की उन संतानों की शान में जिन्होंने दी है भारत को ये बुलंदी। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ये दिन भारतीयों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने की शक्ति का भी स्मरण कराता है। देखिए, तो भारत का गणतंत्र दिवस दुनिया के उन देशों में गर्व से मनाया जाता है जहां पर भारतीय डायस्पोरा के लोग बसे हैं। भारत के साथ मॉरिशस के संबंध ऐसे हैं जो पूर्वजों के संघर्ष के बलबूते पर अडिग है। तिरंगा झंडा शान से मॉरिशस के नीले गगन में आज लहराया गया। पारंपरिक वार्षिक समारोह इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र में लगा। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला ने भारतीय राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, जिन्होंने इस दिन को सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव बताया। रोशन हसमल, सुमेर अकबर। भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला द्वारा ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत की गई, जिसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जो लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, बराबरी और एकता पर आधारित रहा। इस विशेष दिवस के अवसर पर एक छोटी वीडियो दिखाई गई जो 2021 में भारतीय अधिकारियों की मदद से मॉरिशस सरकार द्वारा चलाई गई मुख्तलिफ परियोजनाओं पर आधारित रही। श्रीमती नंदिनी सिंगला बताती हैं, मुझे अत्यंत खुशी है कि इस दिन को यहाँ हम अपने मॉरिशियन मित्रों के साथ मना रहे हैं और आपने एक देखा हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रस्तुति। मैं मानती हूँ कि जो संबंध है हमारे दोनों देशों के बीच ये घनिष्ठ है, प्रगाढ़ है, क्योंकि ये भावनात्मक संबंध है। जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, वो होती है अपने साझा संस्कृति, अपने नाच, अपने गाने, अपने संस्कृति के जो वो पल हम बिताते हैं, जैसे हम त्यौहार मनाते हैं। और आज हमने भी एक छोटा सा ऐसे प्रस्तुति की है इन भावनात्मक संबंधों की याद में। और हम चाहते हैं कि अगले साल जब कोविड महामारी की गति थोड़ी कम हो जाए, हम इससे बड़े कार्यक्रम आयोजन करें यहाँ मॉरिशस में अपने मॉरिशियन मित्रों के साथ। इस अवसर पर भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ये जानिए कि इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 26 जनवरी की तारीख भारत और उसकी संतानों के अस्तित्व का एक मूलभूत
पन्ना भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजपथ पर आयोजित परेड में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखी। नारी शक्ति का भी अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय वायुसेना के 75 विमानों ने पहली बार फ्लाई पोस्ट करके अपनी ताकत का एहसास दिलाया। सुमेर अकबर अली। छब्बीस जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ और एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत अस्तित्व में आया। हर एक भारतवासी तथा भारत मूल के हर एक व्यक्ति के लिए ये उत्सव गर्व का प्रतीक है। राष्ट्र पर्व का जोश और उमंग सभी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ को भारतीय संस्कृतियों के रंगों से खूब सजाया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर सीमित संख्या में गणतंत्र दिवस का औपचारिक समारोह लगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का ये अवसर है और उनके प्रति नमन का। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, भारी राष्ट्र की तरफ से सैनिकों के स्मारक पर फूल चढ़ाए जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने आज को कुर्बान किया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की सभी रेजिमेंटों में अद्भुत एवं विशिष्ट हैं। और अब भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड भी किया गया जो हमेशा एक परंपरा रही है। राजपूत रेजिमेंट के मार्चिंग इसके अलावा विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की गयी जो उन्नति तथा विविधता दर्शाती हैं। हर उस क्षेत्र को भी पेश किया गया जो भारत की अर्थनीति में लगातार योगदान दे तो रही है ही, साथ में विश्व स्तर पर भारत की अनोखी काबिलियतों को उजागर करके लगातार भारत को ऊंचे से ऊंचे मकाम दे रहे हैं। इस दिवस के मौके पर 500 कलाकारों ने नृत्य किए। साल 1947 में भारत को ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता तो मिल गई थी लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। भारत का संविधान तब हस्तलिखित पन्नों में थी। एक गंतव्य के रूप में, गणतंत्र के रूप में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है और समय के साथ साथ संसार में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। आज एक बार फिर भारत ने महाशक्ति के नाते चुनौतियों पर विजय पाने के लिए सबसे सरल उपाय, राष्ट्रीय एकता के भाव को प्रबल करने का प्रण लिया है। दूरदर्शन की एक खास रिपोर्ट पेश है। गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया।
26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये नया भारत है, 135 करोड़ देशवासियों का वो भारत जो विनम्र भी है और सशक्त भी, टेक सेवी है तो साइंस फ्रेंडली भी। तरक्की, उन्नति और प्रगति के शानदार परचम लहराता ये है न्यू इंडिया। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है।